भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। दो पैसेंजर है जी। हाँ दो पैसेंजर। थैंक यू भाई। एक फोटो, एक एक सुमेंद्र भाई का भी दो। अब बाइट कर लेना, ठीक है। विधायक जी क्या कहेंगे आज ये पॉल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिक बस का तोहफा मेरठ वालों को मिल रहा है? इसकी टेक्निकलिटीज के बारे में आपने बेहतर समझाओगे, मुझे आप फिजिक्स के विद्यार्थी रहे, क्या कहना चाहेंगे, क्या खासियत है इस बस की? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रयास के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी पहल। हम लोग प्रदूषण की बात करें और सभी लोग जानते हैं कि प्रदूषण किस तरह से हम लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन रहा है। ये उसी का एक सार्थक प्रयास है प्रदूषण खत्म करने के लिए। और हम देख भी रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने भी अंदर देखा होगा, इस बस में इलेक्ट्रिक बस के साथ साथ आप लोग देख रहे होंगे फैसिलिटी के नाम पर भी, मुझे लगता है कि अलार्म से लेकर मेडिकल किट से लेकर सारी सुविधाएँ इसमें दी गई हैं। और मुझे लगता है कि मेरठ आज जिस तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, आज हम देख रहे हैं मेरठ और दिल्ली की दूरी भी कम हुई है और इस तरह की सुविधाओं के कारण हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि तकनीकी युग है, टेक्नोलॉजी के साथ आज मेरठ भी उसके साथ जुड़ रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश आज टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं सभी के लिए शुभकामनाएं देता हूं और एक बड़ी पहल मेरठ के अंदर हुई है, मैं उसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी देता हूं। देखिए, मुझे लगता है कि 2017 के बाद बहुत सुधार हुआ है और तेज़ी के साथ काम हम लोग कर भी रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो सुविधाएं, यदि मैं बस की बात करूं तो कई उसी के अनुसार यहां के रोड तैयार भी किए जा रहे हैं। मीरा जी, अब जैसे इलेक्ट्रिक बसेस का तोहफा मेरठ को मिल रहा है, आपने कहा कि अब पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होगा और ऐसी बसेज आने वाले दिनों में और बढ़ाई जाएंगी ताकि जो एक खटारा बसेज हैं उनसे लोगों को मुक्ति मिले, उस काले धुएं से मुक्ति मिले। आप लोग भी जब सड़कों पर निकलते होंगे तो उस इसका एहसास करते होंगे कि कितनी खटारा बसेज हैं। खटारा बसेज क्या बंद कर दिया जाएगा, उनको हटाया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि धीरे धीरे समय के साथ साथ हम लोगों को सुधार की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। पहले की जिस तरह की व्यवस्थाएँ थी उनमें सुधार आज के समय पर करने का प्रयास किया जा रहा है और तेज़ी के साथ हो भी रहा है। लेकिन समय के साथ साथ मैंने कहा ना कि टेक्नोलॉजी के साथ हम लोगों को फ्रेंडली होना चाहिए और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना भी चाहिए। आज आप देख रहे होंगे, यदि मैं देश की बात करूं, सोलर एनर्जी से लेकर बहुत से ऐसे विकल्पों पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं जहां पर हम पोल्यूशन फ्री कर सकते हैं सिस्टम को।